से मिलन राज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए सीधे हम चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में 28 मई 2023 के दिन जिस प्रकार अमृतत्व को प्राप्त कर एक विशेष दर्जा हासिल कर रहा है, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में निर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन किया और उससे जो संदेश पूरे विश्व में गया हमारे लोकतांत्रिक भारत के पक्ष में, उसकी चर्चा आवश्यक है। लेकिन उसके साथ ही जैसा मैंने कहा 28 मई का दिन दो बातों के लिए इतिहास में चिन्हित हुआ। पहला जो मैंने बताया, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा में एक वह दिन को अमर बनाया, तो दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियों को घसीटा गया, उन बेटियों को जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, पदक जीते। मैं महिला पहलवान खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, उन्हें कल दिल्ली की पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए सड़क पर घसीटा, उनके साथ बदसलूकी हुई। क्या इसी लोकतांत्रिक भारत को अमृतत्व प्रदान करने की आकांक्षा जाहिर कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री? निश्चय ही इसमें प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटना हुई, वह सरकार के प्रधान हैं और चूंकि हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन कानून व्यवस्था और पुलिस सीधे गृह मंत्रालय का अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन है, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती ही है। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है इस बात को उद्धृत करते हुए कि हम जहां कल सीना चौड़ी कर नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देख रहे थे, आजादी के अमृत काल में यह एक विलक्षण अवसर था पूरे देशवासियों को गौरव करने का, गर्व करने का अवसर मिला, वही दूसरी ओर हमारी बेटियों के साथ बर्बरता क्यों? इसका जवाब देश की जनता चाहेगी और चाह रही है। क्या कसूर था उनका? विगत 23 अप्रैल से हमारी एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना बैठी हुई थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन प्रताड़ना के आरोप खिलाड़ियों ने लगाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वे धरने पर बैठी थी और कल वे जब संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका, सड़कों पर घसीटा, उनके साथ बर्बर व्यवहार किया। जिस ऐतिहासिक उपलब्धि की चर्चा हम नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इसकी चर्चा करने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सचमुच वो ब्रिटिश काल का वह राजदंड हम पर, हमारे राजधर्म पर हावी हो गया। यह कैसा लोकतंत्र, यह कैसी धारणा जिसमें हमारी बहन बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाए? ध्यान रहे, हम जिस विकास पथ पर अग्रसर हैं, जिसकी चर्चा कर हम गौरवान्वित होते हैं, उन सबों पर काला चादर पड़ जाता है ऐसी घटनाओं के कारण, और इसके लिए दोषी
आज हम अगर आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी पुलिस प्रशासन को देते हैं तो ये हमारी गलती है। पुलिस की ट्रेनिंग उस ब्रिटिश काल में आजादी के दीवानों की आवाज को दबाने के लिए हुई थी, लेकिन दुखद की आजाद भारत में भी उसी परंपरा का निर्वाह पुलिस बल कर रहा है। क्यों? निश्चय ही कहीं ना कहीं उनके प्रशिक्षण में दोष है, उनके मानसिक विकास में दोष है, खोट है उनकी सोच में। जो पुलिसकर्मी महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, बर्बर व्यवहार कर रहे थे, क्या उनके घर में मां बहन नहीं है? उनके घर में भी है, लेकिन वे अपने से उच्च पदाधिकारियों के आदेश मानने को विवश, अगर नहीं मानते हैं तो अनुशासनहीनता का आरोप उन पर लगता है। इस दुविधा में वो बेचारे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हालांकि निश्चय ही वो भी मानव है, मानवीय संवेदनाएं भी उनमें अवश्य होंगी। वे जब घर गए होंगे तो रो रहे होंगे, उनके आंसू बहे होंगे, आप पता कर लें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ऐसे अवसर प्रदान करते ही क्यों हैं? यहां पर दोष दोनों पक्ष का है। महिला खिलाड़ियों, ठीक है, वो पिछले अप्रैल से अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर में बैठी थी और सरकार ने उनकी पहले तो नहीं सुनी। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब वो कुश्ती संघ के प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज हुए, लेकिन आज भी वो छुट्टा घूम रहा है। विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए, लेकिन जांच का बहाना कर पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है। और तो और बेशर्मी की सीमा पार करते हुए कल वह व्यक्ति नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद था, सम्मान करवा रहा था, सम्मान प्राप्त कर रहा था। यह कैसी विडंबना? ऐसा तो नहीं ही होना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने जब FIR दर्ज किया तो जैसे आम लोगों के साथ होता है, करती आई है पुलिस, तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होती। वो छुट्टा घूम रहा है और तो और अब आगे बढ़कर चुनौती भी दे रहा है जांच को, निर्देशित कर रहा है कि ऐसे जांच करो, वैसे जांच करो। वह व्यक्ति कल उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मौजूद था प्रधानमंत्री के सामने, तो किसी की भावना आहत होगी। यहां दिल्ली पुलिस की गलती है या सरकार की गलती है, तो दूसरी ओर महिला खिलाड़ियों को भी यह सोच रहते थे जब वो कूच कर रही थी संसद भवन की ओर कि यह कार्यक्रम हो रहा है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एक ऐतिहासिक अवसर है, तो ऐसे कार्यक्रम में बाधा क्यों डाली जाए? यह उन्हें भी सोचना चाहिए था। जैसे आप अप्रैल से बैठे हुए धरने पर, कल वो कार्यक्रम हो जाने देते हैं, आप अपनी मांग के लेके जंतर मंतर में बैठे रहते हैं। आप मीडिया के समक्ष अपनी बात को रख करके अपनी वेदना को जाहिर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर आप उधर मार्च किया। वहां पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया कि वहां कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसलिए उनको रोका गया। लेकिन जब वे खिलाड़ी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़े तो उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन हाँ, कार्रवाई की प्रक्रिया में सारी मर्यादा को भूल करके पुलिस ने जो व्यवहार किया वह गलत है। इसलिए मैंने कहा कि गलती दोनों पक्ष की है। हम अपनी मांग के लिए सरकार के सामने विभिन्न रास्ता अपनाते हैं, अपना सकते हैं, अपना यह लोकतंत्र हमें छूट देता है विरोध प्रदर्शन का। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कुछ न करें जिससे हमारी लोकतांत्रिक गरिमा को, हमारी आजादी को और जिस रूप में हमारी पहचान बननी है, एक
संस्कृति और सभ्यता के रूप में प्राप्त विरासत को हम आगे बढ़ाते हैं, तो दूसरी ओर ऐसी घटनाएं हमें शर्मिंदगी महसूस कराती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दो घटनाओं की चर्चा मैंने की जो 28 मई के दिन ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में चिन्हित हुई हैं। कार्यक्रम में जहां मैंने कहा ऐतिहासिक कार्यक्रम, लेकिन वहां पूरा का पूरा विपक्ष अनुपस्थित था, उसे बायकॉट किया था। वो पहले ही उन्होंने कहा था उद्घाटन को लेकर के कि ये उद्घाटन प्रधानमंत्री न करे, राष्ट्रपति से करवाए, चूंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, देश का प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख है देश का। लेकिन उस पर चर्चा काफी राष्ट्रीय स्तर पर होगी, ये सिर्फ दोहराने के लिए संदर्भ बस बताता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा से सभी अब पूरा देश क्या पूरा विश्व अवगत हो चुका है। उनकी इच्छा एक नाम मोदी नाम केवल पर आधारित है। वो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेचैन रहते हैं। इसके लिए वो परंपराओं के खिलाफ अगर जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। और ऐसी व्यवस्था बन गई है अब दुखद रूप से उनकी जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए सुख्यात थी, आज उसके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं कि पार्टी का नेतृत्व इतना पंगु कैसे हो गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। आज इसी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री रह चुका है, जिसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं, किस गरिमा के साथ पद के मर्यादा का ख्याल रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का नेतृत्व किया था, केंद्र सरकार का नेतृत्व किया था। नरेंद्र मोदी को उनसे सीख लेनी चाहिए, उन्हीं के पार्टी की थी। आज भी उनके शब्द उपलब्ध हैं जो प्रेरणा देते हैं पार्टी के लोगों को और देश के युवाओं को। लेकिन अगर उन शब्दों की उपेक्षा की जाती है तो फिर समालोचक इन घटनाओं की चर्चा नकारात्मक रूप में ही करेंगे, जैसा कि अभी हो रहा है। अब क्या ऐतिहासिक भवन का उद्घाटन है, संसद, भारतीय संसद के भवन का नया भवन, वहां मौजूदगी, प्रधानमंत्री के साथ कौन थे मंच पर, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति सभापति नहीं थे, क्योंकि सभापति देश का उपराष्ट्रपति है और प्रोटोकॉल की परेशानी अब मंच पर वहां पर जिसके जो हास्यास्पद लग रहा था हर दृष्टि से, स्वयं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के खिलाफ था, प्रधानमंत्री पद के गरिमा के खिलाफ था। देश विदेश के वहां आमंत्रित प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरा विश्व नजरे गड़ाए बैठा था उस कार्यक्रम को। लेकिन विपक्ष की अनुपस्थिति, विपक्षी दलों के सांसदों की अनुपस्थिति, उनके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने उस दिन विशेष की गरिमामयी उपलब्धि पर एक सवाल या निशान तो चढ़ ही दिया है। और यह बहुत आसान है, इसके पूर्व इसी कार्यक्रम में मैं बता चुका हूं कि अगर ऐसी मांग विपक्ष की ओर से थी राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन करवाए जाने के लिए, तो इस पर प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष की ओर से पहल करते हुए विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत की जानी चाहिए थी। जब उन लोगों ने बहिष्कार कर घोषणा की थी, उनसे बातचीत करते और तब निश्चय ही कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलता और वहां कल विपक्ष की भी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज होती इतिहास के पन्नों में। लेकिन
शायद रणनीतिकारों की गलती या फिर अहम का भाव, अहंकार जिसे सत्ता पक्ष को ऐसी पहल करने से रोक दिया, विपक्ष को कोई महत्व ही नहीं दिया उन्होंने। उन्हें लगा कि सारा संसद भवन, ये भारतीय संसद सिर्फ हमारा हमारा और हमारा है। यह लोकतांत्रिक भारत में भूल जाते हैं। पहले भी यही लोग विपक्ष में बैठ चुके हैं और आज जो विपक्ष में है वो दशकों सत्ता में रह चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, यह भारतीय लोकतंत्र की खुशबू है और देश की जनता अर्थात मतदाता यह सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है, और जब समय आता है तो वह अपना निर्णय देता है। तो एक तो वहां गलती होती है, दूसरी अब यह जो महिला पहलवानों खिलाड़ियों की बात होती है, जब इतने महीनों से वे धरना पर बैठे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, तो कानून की दृष्टि से भी जब FIR ठीक है, विलंब से ही सही FIR हुआ, कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद FIR हुआ, वो भी ठीक है, लेकिन तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो छुट्टा कैसे घूम रहा है? आरोपी संसद भवन के अंदर बैठकर सम्मान प्राप्त कर रहा है और जिन पर अन्याय हुआ उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, वो भी महिला खिलाड़ियों को। हम बड़े गर्व के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, नारा बुलंद किया था इसी प्रधानमंत्री ने, आज उन बेटियों की हालत सड़कों पर घसीटे जाने के समान हो गई है। बड़बड़ता पूर्वक उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ लोगों ने खबरियां चैनलों पर देखे, हालांकि वहां कम अंश दिखलाए गए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पूरे दिखलाए, आंखों में आंसू आ गए वो देख करके, वो दृश्य देखकर जब हमारी बहनों को सड़कों पर घसीटा गया था। यहां पर भी वही अहम हावी दिख रहा था दिल्ली पुलिस पर, उनकी औकात बताना चाहते थे, जबकि हमारा लोकतंत्र सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर बाद में तो और भी हुआ, जंतर जो धरना स्थल जंतर मंतर पर था उसे उखाड़ फेंका गया, दम उखाड़ फेंके, गंदे उखाड़ फेंके गए। मतलब इस लोकतंत्र में जो अपनी आवाज उठाने की जो आजादी लोगों को प्राप्त है, जो संविधान देता है, उस पर भी पुलिस का पहरा और बड़बड़ तरीके से उसे समूल नष्ट करने की कोशिश जो कर दिया गया कल, धरना स्थल को छेद करके उखाड़ फेंका दिया गया तंबू को, यह हर दृष्टि से गलत हुआ, यह संदेश गलत जाएगा। और जो गरिमामय उपलब्धि नए संसद भवन के रूप में कल हुई, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उस उपलब्धि पर भी पानी फेर दिया दिल्ली पुलिस ने अपने बर्बर व्यवहार से, अपने मां बहनों के खिलाफ दुर्व्यवहार से उन पर पानी फेर दिया और पूरे के पूरे हमारे पुलिस व्यवस्था पर पुनः एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि क्या हम अभी भी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हुए? वही सोच, वही धारणा, वही क्रियाक्रम, जाहिर है इसका विरोध होगा और विरोध शुरू हो गया। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, सियासत शुरू हो चुका है, जिसका प्रभाव दिखेगा आने वाले चुनाव में 2024 के आम चुनाव में निश्चित रूप से। और शायद यही कारण है कि विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बनाकर संसद भवन के उद्घाटन को और फिर उसके साथ साथ उसके समानांतर जब महिला खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ, उसको मुद्दा बनाकर विपक्ष आज सत्ता पक्ष पर हावी हुआ। इसका कोई जवाब नहीं, तर्क चाहे तर्क वितर्क चाहे जो भी सामने आ जाए, सच्चाई यही है कि दिल्ली पुलिस ने अपने बर्बर व्यवहार से पूरे देश को और भारतीय लोकतंत्र को लज्जित किया है। हमारी महिला खिलाड़ियों को सड़क पर घसीट कर उसने
हमारे लोकतंत्र की आत्मा को ही नहीं भारत माता को सड़क ऊपर घसीटा है, इस बात को ध्यान में रखिए। कल इतना बड़ा कार्यक्रम जो पूरा देश गौरवान्वित है, जिसे जिस दिन को स्वयं प्रधानमंत्री अमर घोषित कर रहे हैं, उस पर बर्बरता का काला चादर, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गृह मंत्रालय ने सुनी और स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस के अधिकारी तो अपना तर्क देंगे, वो बैरिकेड तोड़ रहे थे, कानून का उल्लंघन कर रहे थे, हमने कार्रवाई की, लेकिन नहीं, यह अंग्रेजों के जमाने की कार्रवाई है। और यह तर्क उस समय दिया जाता था, अभी आजाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में जब ऐसे अवसर आते हैं, उनसे निपटने के अन्य सरल उपाय ढूंढे जाने चाहिए, और वो सरल उपाय है परस्पर बातचीत। सभी मानव हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। आपसी बातचीत कर समय पर, इसमें समय जो है महत्वपूर्ण होता है। आप प्रतीक्षा कर रहे थे, पहले से उनकी घोषणा थी महिला खिलाड़ियों को कि संसद पर ने संसद पर मार्च करेंगे, पहले जानकारी थी। उसके पूर्व भी वहां जाके धरना स्थल पर उनसे बातचीत करना चाहिए था, लेकिन यहां चूक हुई, ठीक उसी तरह की चूक हुई जैसे प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम का विपक्ष ने विरोध किया, और वहां भी सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष से कोई सार्थक सकारात्मक बातचीत नहीं हुई। अगर समय पर, जैसे मैंने कहा था पहली चर्चा की, अगर प्रधानमंत्री पहल करते या सत्ता पक्ष की ओर से कोई वरिष्ठ नेता, कोई वरिष्ठ मंत्री पहल करके अगर विपक्ष के साथ बैठकर आमने सामने बातचीत करता, तो यह दृश्य कल जो बायकॉट का दृश्य था, जो इतना महान अवसर था, जो ऐतिहासिक अवसर था, उस पर जो सवालिया निशान लगा, आज उस पर यह चर्चा नहीं हो रही थी। सारे विपक्ष की उपस्थिति में ही कार्यक्रम संपन्न हुआ होता, तब देश विदेश में सचमुच जिस उस गौरवशाली क्षण को सभी महसूस करते हैं। लेकिन कल एक सवाल के घेरे में, कटघरे में प्रश्न चिन्ह लगा करके उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार महिला खिलाड़ियों का साथ दिल्ली पुलिस ने किया, वहां भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की विफलता चिन्हित हुई है। ध्यान रखें, जनता सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन अपनी मां बहनों का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे हर पक्ष, चाहे शासक हो या प्रशासक हो, हृदयस्थ कर ले। उनके इस कृत्य से न केवल हमारा लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ, न केवल हमारी भारत माता शर्मिंदा हुई, हर पक्ष का दिल आज अकेले अंधेरे में रो रहा होगा। यह एक सत्य है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते।